जी क्या हाल है। फाइनली IQ ने इंडिया में IQ Z9X 5G को लॉन्च कर दिया और मैं इस फोन को पिछले कुछ दिनों से यूज कर रहा हूं। ये फोन आपको आउट ऑफ द बॉक्स फन टच OS 14 और Android 14 के साथ मिलता है। वेल, आज की वीडियो में IQ Z9X 5G के 50 प्लस हिडन फीचर एंड टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताने वाला हूं, जिनको यूज करके आपका फोन यूज करने का जो एक्सपीरियंस है वो और भी एनहांस हो जाएगा। जैसे कि कैमरा के अराउंड रिंग लाइट का इफेक्ट, कलर कस्टमाइजेशन, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वगैरह वगैरह बहुत सारे हिडन फीचर एंड टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो आपको इस फोन के अंदर देखने को मिलते हैं। तो अगर आप लोग IQ का जो नया बजट स्मार्टफोन है Z9X 5G ले रहे हो या इन फ्यूचर लेने वाले हो तो वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक वॉच करना, ताकि आप लोगों को इस फोन के जो हिडन फीचर एंड टिप्स एंड ट्रिक्स हैं उनके बारे में पहले ही पता चल जाए। तो चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फीचर की बात करें तो IQ के इस नए फोन के अंदर आपको कीबोर्ड माउस का सपोर्ट भी देखने को मिलता है और उनको आप लोग वायरलेसली अपने फोन के साथ यूज कर सकते हो। सबसे पहले आप लोगों ने अपने फोन के साथ OTG कनेक्शन को कनेक्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से, और अगर नहीं हो तो सेटिंग के अंदर जाकर के आपने ब्लूटूथ एंड डिवाइसेस के अंदर जो OTG है इसको आपने सिंपली ऑन कर देना है। एंड इतना करने के बाद आप लोग देखिए यहां पर जो माउस का कर्सर है वो आ चुका है। फोन को बैक करना हो, ये देखिए बैक मैंने अपने माउस से किया, फिर से बैक करना, माउस से कर रहा हूँ, स्क्रोलिंग करनी हो मैं माउस से कर रहा हूँ। सेम इसी तरीके से आप लोग इस फोन के अंदर जो कीबोर्ड है वायरलेसली उसको भी यूज कर सकते हैं। अब अगले फीचर्स के बारे में बताने से पहले आपको कुछ सेटिंग बता देता हूँ। जब भी आप लोग नया फोन लो तो उन सेटिंग को कर लेना। अगर आपको कोई अनवॉन्टेड नोटिफिकेशन ऐप्स की आती रहती है बार बार तो आपने सिंपली उस ऐप के ऊपर क्लिक करके रखना है। एंड यहाँ पर आपको ऐप इन्फो मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करके जो नोटिफिकेशन है इनको आप लोगों ने बंद कर देना। उसके बाद आपको जो भी अनवॉन्टेड नोटिफिकेशन एप्स की आती हैं वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। और IQ के इस फोन के अंदर आप लोगों को हॉट ऐप्स, हॉट गेम्स भी देखने को मिलती हैं, लेकिन अगर आपने इनको अनइंस्टॉल करना है तो इसके ऊपर क्लिक करो, ऐप इन्फो के अंदर जाओ, यहां पर आप लोगों को ऐप स्टोर मिलेगा। अगर ये काम ना करे तो आप लोगों ने इसका जो अनइंस्टॉल अपडेट है इसको करके यहां से इसको डिसेबल कर देना है। उसके बाद आपके जो हॉट ऐप्स और हॉट गेम्स हैं वो यहां पर डिसेबल हो जाएंगे। बाकी कोई और भी अगर आप लोगों को अनवांटेड ऐप देखने को मिले तो उन सबको आप लोग अनइंस्टॉल कर सकते हो। और अनइंस्टॉल करने के बाद जो एक्सपीरियंस है आपको बहुत ही क्लीन देखने को मिलेगा, जो लिमिटेड ऐप्स हैं वही आपको देखने को मिलते हैं। इन सब सेटिंग्स को करने के बाद आपका जो यूजर एक्सपीरियंस है और भी एनहांस हो जाएगा। अब देखो इस फोन में आपको 6000 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है और 44 वॉट की फास्ट चार्जिंग। अगर आपको इस फोन के अंदर जो बैटरी ड्रेनिंग है वो देखने को मिल रही है तो उसकी भी कुछ सेटिंग आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले आपने फोन की सेटिंग के अंदर जाना है, बैटरी का सेक्शन ओपन कर लो। ऊपर आप लोगों को यहां पर बैटरी सेवर मिलेगा, सुपर बैटरी सेवर मिलेगा, इन दोनों को आप लोग यूज कर सकते हो जिससे आपकी बैटरी ड्रेनिंग और भी कम हो जाएगी। अगर आपने बैटरी हेल्थ को चेक करना है तो यहां पर आपको बैटरी हेल्थ भी देखने को मिलेगी। जैसे क्लिक करोगे आपके फोन की बैटरी हेल्थ कितना है वो आपको यहां पर श्योर कर देगा। और जो बैटरी हेल्थ है उसको अगर आपने ऑप्टिमाइज करना है तो यहां इसको एनेबल करके आप लोग उसको ऑप्टिमाइज भी कर सकते हो। एंड जो बैटरी के स्टाइल्स हैं एंड जो आपकी परसेंटेज है वो किस तरीके से ये उनको भी आप लोग अपने हिसाब से यहां पर कंट्रोल कर सकते हो। उसके नीचे यहां पर आप लोग ग्राफ मिल जाता है, एंड ग्राफ के अंदर आपको बताएगा कौन सी ऐप आपकी कितनी बैटरी को ड्रेन कर रही है, और ऐसी कोई ऐप जिसको आप लोग यूज नहीं करते तो उसको आप लोग अनइंस्टॉल कर दो, उसके बाद आपके फोन के अंदर जो बैटरी ड्रेनिंग है वो नहीं होगी। अब अगले फीचर की बात करें तो अगर आपने भी अपने IQ के फोन के अंदर इस तरीके जो 3D विजेट्स हैं वो लगाने हैं तो वो आप लोग बहुत ही आसानी से लगा सकते हो। यहां पर क्लिक करोगे तो जो आपका रैम बूस्ट है वो यहां पर ऑटोमेटिकली हो जाएगा और आपके फोन की जो स्पीड है वो भी बढ़ जाएगी। अब इसके लिए आपने करना क्या, स्क्रीन को पिंच करो, नीचे यहां पर विजेट का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करो और यहां पर विजेट के अंदर ये सारे विजेट जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे जिनको आप लोग इजिली इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब अगले फीचर की बात करें तो वो फीचर है कस्टमाइजेशन को लेकर के। अगर आपने IQ के इस Z9X के अंदर होम स्क्रीन को कस्टमाइज करना है तो इसके लिए स्क्रीन को पिंच करो, और जैसे स्क्रीन को पिंच करोगे यहां पर आप लोगों को नीचे सबसे पहले वॉलपेपर का ऑप्शन मिलेगा। यहां से आप लोग इस फोन के जो वॉलपेपर हैं वो चेंज कर सकते हो, और इस फोन में आप लोगों को जो लाइव वॉलपेपर है उनका सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। तो जो वॉलपेपर आपको पसंद हो उसको आप लोग अपने हिसाब से लगा सकते हो। उसके आगे आप लोग यहां पर जो सिस्टम UI का कलर है वो चेंज कर सकते हो, ऐप का जो कलर है वो चेंज कर सकते हो, और आप लोगों को इस फोन के जो मटेरियल आइकन पैक्स हैं उनका सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। तो जो आप लोगों को पसंद हो वो आप लोग यहां पर अपने हिसाब से सेट कर लो। अगर पसंद ना आए तो सिस्टम के जो कलर्स हैं उनको आप लोग बाय डिफॉल्ट भी यूज कर सकते हैं। इसी के साथ विजेट आप लोग यहां पर चेंज कर सकते हो, एंड जो होम स्क्रीन की पूरी सेटिंग्स है वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। बहुत सारे बंदों को जो ड्रॉअर मोड है पसंद नहीं आता तो वो यहां पर चेंज करके जो स्टैंडर्ड मोड है उसको यूज कर सकते हैं। इसी के साथ जो होम स्क्रीन के लेआउट है उनको चेंज कर सकते हैं, एंड जो राउंडेड कॉर्नर है, साइज के आपको कॉर्नर्स का चाहिए वो आप लोग पूरे आइकन को यहां पर कस्टमाइज कर सकते हो। एंड आप लोगों को यहां पर जो गूगल डिस्कवर है वो चाहिए कि नहीं चाहिए, ऐप आइकन के ऊपर बैजेस चाहिए या आप लोगों को कोई नोटिफिकेशन चाहिए, ये सब फीचर आप लोगों को यहां पर नोटिफिकेशन वगैरह
2011 के सारे देखने को मिल जाते हैं। तो इन सबको यूज करके आप लोग अपने फोन की जो होम स्क्रीन है उसको और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। अब दोस्तों बात करें इस फोन के डिस्प्ले के फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पर सेटिंग के अंदर आपको डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस का अलग से सेक्शन मिल जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करो, सबसे ऊपर ब्राइटनेस की बार मिलेगी। यहाँ से आप लोग फोन की जो ब्राइटनेस उसको कंट्रोल कर सकते हैं, जो आपको सही लगे आप लोग सेट कर लो। नीचे आप लोगों को इस फोन के अंदर जो आई प्रोटेक्शन है वो भी देखने को मिलता है। और अगर आपने इस फोन के अंदर डार्क मोड एनेबल करना है तो यहाँ पर डार्क थीम भी आपको देखने को मिलेगी। जैसे लगाओगे प्योर ब्लैक डार्क थीम देखने को मिलती है, जो आपको पसंद हो वो आप लोग सेट कर ले। यहाँ पर जो डिस्प्ले के कलर्स हैं वो भी टेम्परेचर है, अपने हिसाब से आप लोग सेट कर सकते हो। और यहाँ पर जो फॉन्ट का साइज है, डिस्प्ले का साइज है, वो आप लोग चेंज कर सकते हो। स्टेटस बार को अगर आपने कस्टमाइज कर, नेटवर्क स्पीड आपको चाहिए, स्टेटस बार को पूरी तरीके से आप लोग यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं। इस फोन के अंदर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, उसको चेंज करें तो उसको आप लोग यहाँ पर स्क्रीन रिफ्रेश रेट के अंदर जाकर के अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। 60 हर्ट्ज एंड 120 हर्ट्ज एंड आउटो स्विच आपको देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से आप लोग इस फोन की जो डिस्प्ले है उसको और कस्टमाइज कर सकते हैं। अब दोस्तों आईक्यू के इस फोन के अंदर आपको ऐसे फीचर्स देखने को मिलते हैं कस्टमाइजेशन के, जो आप लोगों को आईफोन्स के अंदर देखने को मिलते हैं। और वो फीचर आपको मिलेंगे सेटिंग्स के अंदर, आपने ओपन करनी है। यहां पर मिलेगी लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर का सेक्शन, तो वॉलपेपर आप लोग यहां चेंज कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया। लेकिन यहां पर ऑप्शन है लॉक स्क्रीन सेटिंग का, जैसे आप लोग इसके ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद कस्टम लॉक स्क्रीन के ऊपर क्लिक करो एंड पूरी लॉक स्क्रीन को आप लोग आईफोन की तरह कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे इसके ऊपर क्लिक किया, जो स्टाइल आपको चाहिए आप लोग यहां पर स्टाइल सेट कर लो। उसी के साथ नीचे आप लोगों ने कोई इंफॉर्मेशन देनी है, सिग्नेचर अपने लगाने हैं तो वो आप लोग यहां पर लगा सकते हो। एंड आप लोगों को राइट साइड में क्या चाहिए, कैलकुलेटर, कैमरा, डिवाइस कंट्रोल, ये सब वगैरह वगैरह बहुत सारे फीचर आपको देखने को मिलते हैं। क्लॉक स्टाइल, कलर वगैरह सब कुछ आप लोग यहां पर चेंज कर सकते हो। तो नो डाउट भाई, कस्टमाइजेशन काफी सारी आपको आईक्यू Z9X के अंदर देखने को मिलती है। अब अगले फीचर की बात करें तो इस फोन के अंदर आपको एक्स्ट्रा फीचर भी देखने को मिलते हैं, वो रहा डायनामिक इफेक्ट का फीचर। जैसे आप लोग इसको ओपन करोगे, सबसे पहले एनहांस डायनामिक इफेक्ट, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो वेदर का बैकग्राउंड, म्यूजिक प्लेयर के जो बैकग्राउंड है उनका इंटरफेस, जो इफेक्ट है उनके, वो आप लोग चेंज कर सकते हो। आपके जो एनिमेशन है होम स्क्रीन के अंदर एंटर करने पर, क्लोज करने पर, वो आप लोग यहां पर चेंज कर सकते हो। फिंग, जो आपका फेस आईडी है उसका जो एनिमेशन है वो आप लोग यहां पर चेंज कर सकते हो, किस तरीके का चाहिए। साथ में चार्जिंग एनिमेशन आपको किस तरीके का चाहिए वो आप लोग यहां पर चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे जो कस्टमाइजेशन के फीचर हैं, इफेक्ट हैं, वो आप लोगों को आईक्यू के फोन के अंदर देखने को मिलते हैं। और ऐसे फीचर तो आप लोगों को किसी महंगे फोन के अंदर भी देखने को नहीं मिलते। अब अगर आपने आईक्यू का ये फोन ले लिया, अब इस फोन को अपडेट कैसे करना है ये आपको पता नहीं लग रहा, फोन की सेटिंग ओपन करो, नीचे थोड़ा स्क्रॉल करो, यहां पर आपको मिल जाएगा सिस्टम अपडेट। इसके ऊपर क्लिक करके आप लोग यहां से फोन जो है उसको अपडेट कर सकते हैं, अगर कोई नया अपडेट आया हो। अब इस फोन के अगले फीचर्स की बात करें तो वो फीचर्स आपको मिलेंगे इस फोन की प्राइवेसी के अंदर। और आईक्यू ने भाई बहुत सारे फीचर यहां पर ऐड कर दिए हैं। अलग से आप लोगों को हेल्थ कनेक्ट मिल जाएगा, प्राइवेसी का डैशबोर्ड देखने को मिल जाता है, और भी बहुत सारे आप लोगों को यहां पर प्राइवेसी के फीचर्स मिल जाते हैं। लेकिन एक मेजर फीचर रहा, वो रहा अनलॉक टू पावर ऑफ। अगर आपने अपने फोन को पावर ऑफ करना है तो आपके पास आपके फोन का पासवर्ड होना चाहिए, बिना पासवर्ड के आप लोग इस फोन को पावर ऑफ भी नहीं कर सकते। आईक्यू का फोन है तो इस फोन के अंदर भाई गेमिंग फीचर भी आप लोगों को ढेर सारे भर भर के देखने को मिलते हैं। फोन की सेटिंग को ओपन करो, मिल जाएगा अल्ट्रा गेम मोड। भाई इतने सारे गेमिंग फीचर हैं, जैसे कि 4D गेम वाइब्रेशन, गेम की साउंड क्वालिटी, इफेक्ट, फ्रेम रेट, इन सब को आप लोग अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। स्क्रीन मिस्टर प्रिविजन भी देखने को मिल जाएगा। ऐसे ऐसे गेमिंग फीचर्स हैं भाई जो आप लोगों को भाई 50 से 60 हज़ार रुपए के फोन के अंदर भी देखने को नहीं मिलते। 4D गेम वाइब्रेशन जो कि BGMI को भी सपोर्ट करता है, तो भाई गेम खेलने में तो बहुत ही मजा आएगा इन गेमिंग फीचर्स को यूज करने के साथ में। अब इस फोन के कुछ स्पेशल फीचर एंड शॉर्टकट्स की बात करें तो यहां पर सेटिंग के अंदर आपको सेक्शन मिल जाएगा शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी का। इसके अंदर आपको स्प्लिट स्क्रीन, स्मॉल विंडो, स्मार्ट साइड बार, एस कैप्चर, एश मोशन, क्विक एक्शन के बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। फ्लैश नोटिफिकेशन, फेस ब्यूटी जो कि वीडियो कॉल पर काम करेगा, वन हैंडेड मोड, इजी टच। एक फीचर ये भी है कि आप लोग अगर पावर बटन को प्रेस करते हो फोन को स्विच ऑफ करने के लिए, स्विच ऑफ नहीं होता तो यहां से आप लोगों ने इसको चेंज कर देना है, पावर मेन्यू के ऊपर कर दो। अब अगर आप लोग जो पावर बटन को प्रेस करोगे तो आपका जो पावर मेन्यू है वही आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर ढेर सारे फीचर मिल जाएंगे। और नीचे लास्ट में आपको एक्सेसिबिलिटी का फीचर देखने को मिल जाता है।
इसके अंदर ही भाई बहुत सारे फीचर हैं जो आपके काम के हैं, उनको आप लोग यूज कर सकते हैं। अब अगले फीचर्स की बात करें तो वो आपको मिलेंगे फोन की सेटिंग्स के अंदर सिस्टम में। यहाँ पर आप लोग सिस्टम के जो नेविगेशन है, बटन चाहिए, जेस्चर चाहिए, वो आप लोग यहाँ पर चेंज कर सकते हो। डेट एंड टाइम को चेंज करना है वो चेंज कर सकते हो, लैंग्वेज चेंज करनी है वो कर सकते हो, फोन का बैकअप लेना है, फोन को अगर आपने रीसेट करना है, फोन को क्लोन करना है, ये सारे फीचर भी आपको इस फोन के अंदर देखने को मिल जाएंगे। और जो अगला फीचर है वो आपको देखने को मिलता है सेटिंग्स के अंदर सबसे लास्ट सेक्शन, जो कि रहा फोन का अबाउट सेक्शन। यहां पर आप लोगों को फोन की एंड सॉफ्टवेयर की पूरी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी कि आपके फोन के अंदर कौन सा सॉफ्टवेयर है, साथ में कौन सी रैम है, कौन सा प्रोसेसर है, स्टोरेज कितना है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस फोन में देखने को मिल जाती है। बहुत सारे बंदे देख रहे होंगे भाई ये कैमरा के अराउंड मैंने ये गोल गोल सा क्या लगा के रखा है, तो ये है भाई कैमरा का रिंग लाइट इफेक्ट, जो कि बैटरी को भी इंडिकेट करता है। आप भी इसको अपने फोन के अंदर लगा सकते हो। इसके लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करनी है, ऐप का नाम है रिंग रिंग। ये ऐप आप लोगों को प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगी, ऐप का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो। और डाउनलोड करने के बाद आप लोगों ने सिंपल जो ऐप है इसको ओपन करना है, ओपन करने के बाद यहां पर आप लोगों ने इसका सेटअप करना है, एंड इस तरीके का जो इंडिकेटर है बैटरी का और कैमरे के अराउंड रिंग लाइट, ये आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आपने भी अपने इस आईक्यू के फोन के अंदर इस तरीके के ऑलवेज ऑन डिस्प्ले लगानी है तो ये भी आप लोग इस फोन के अंदर कर सकते हो। बस इसके लिए आप लोगों को प्ले स्टोर से ये ऐप डाउनलोड करनी है, इसको इंस्टॉल करके इसका सेटअप कर लो, और बहुत सारे AOD के जो फीचर्स हैं वो आपको इस ऐप में देखने को मिल जाएंगे, जिनको आप लोग अपने फोन में यूज कर सकते हैं। फाइनली दोस्तों इतने इस वीडियो में, ये थे IQ के Z9X 5G के 50 प्लस हिडन फीचर एंड टिप्स एंड ट्रिक्स, जिनको यूज करके आपका फोन यूज करने का जो एक्सपीरियंस है वो और भी एनहांस हो जाएगा। अगर आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स पता लगे या आप लोगों को किसी ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में पता जो मैंने आपको नहीं बताया, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी इतना इस वीडियो में, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।